हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन कुक विद अर्चना में, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते की बहुत अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि मेरा बनाने का तरीका है, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। पास्ता बनाने वाली हूँ मैं इंडियन स्टाइल से, जिसके लिए मैंने क्या क्या लिया है आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है नॉर्मल जो मैक्रोनी पास्ता होती है वो, कुछ सब्जियाँ ली हैं, सब्जी में मैंने ली है फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इन सारी सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। साथ ही लिए है मैंने नमक, यहाँ पास्ता मसाला लिया है मैंने, पास्ता मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। साथ ही लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, इंडियन स्टाइल मैक्रोनी बनाएंगे या पास्ता बनाएंगे तो थोड़ा सा धनिया पाउडर तो बनता है। साथ ही लिए मैंने लहसुन कटे हुए धनिया की पत्ती, हरी मिर्च काट ली है मैंने छोटी छोटी, साथ ही ली है मैंने थोड़ी सी ओरिगेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं, और इसे हम बनाएंगे रिफाइंड ऑयल में। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी कोई आपके पास ऑयल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पहले एक बड़े से बर्तन में पानी बॉईल कर लिया है। पानी जब बहुत अच्छा बॉईल हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता। अब पास्ता को हमें अच्छे से मिलाना है, और जब इसमें एक बार फिर से बॉईल आने लगे तब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही हम डाल लेंगे तेल। तेल डालने से होगा ये कि पास्ता जो है वो चिपकेगी नहीं आपस में। अब लगभग 1.5 से 2 मिनट ही मैंने बॉईल किया है और इतने में ये अच्छा बॉईल होने लगा। तो अब हमें पता कैसे चले कि ये पक चुका है, तो इसके लिए मैंने एक बड़े से चम्मच पे इसे निकाला है, और देखिए जब इस तरह से छूने से सॉफ्ट लगने लगे तो ये हो गया है। एक बार इसे चम्मच से काट करके भी देख लीजिए, और अगर उससे भी ना पता चले तो एक बार एक बाइट मुंह में लेके भी देख सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और इसमें डाले हुए कटे हुए लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, अब इन दोनों को हम थोड़ा अच्छा सा सुनहरा होने तक पका लेंगे। सुनहरा होने से इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तेल में डायरेक्ट कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने डाल लिया है कटी हुई प्याज, प्याज को बहुत अच्छे से भुनेंगे हम, सुनहरा नहीं करना इसे हमें, हल्का जा जब थोड़ा पिंकिश हो जाएगा फिर हम इसमें हमारी कटी हुई सब्जियां डाल लेंगे। सब्जियों में मैंने डाला है फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च। अब तीनों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर तक अगर हम पकाएंगे तो इसका अपना क्रंच जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब इसमें थोड़ी सी नमक डाली है मैंने, बिल्कुल सिर्फ सीजनिंग के लिए, जिससे कि थोड़ा सा सब्जियों में नमक का टेस्ट आ जाए। अब थोड़ी सी सारी सब्जियों को साइड करके बीच में मैंने डाल लिया है वह कटे हुए टमाटर। मैंने टमाटर बिल्कुल चॉप किए हैं, आप चाहें तो उसका प्योरी भी बना सकते हैं और काट करके भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हैं। मेरे यहाँ कटे हुए टमाटर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। इसके साथ ही मैंने डाल लिए हैं धनिया पाउडर और पास्ता मसाला या मैक्रोनी मसाला, जो भी आप चाहें इसे बोल सकते हैं। अब इन दोनों को भी हमें अच्छे से भूनना है। एक बार मिलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी पानी, जिससे कि मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो सके और भुन सके। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आता है ये खाकर, आप ज़रूर इसे नाश्ते के रूप में अपने घर पर ट्राई करके देखिएगा, और बहुत झटपट सी बन भी जाती है। तो इसे मैंने डाला है छोटी कटोरी से आधी कटोरी पानी। उसे होगा ये कि टमाटर, सारी सब्जियाँ पास्ता मसाला में और धनिया के पाउडर में इतना अच्छा कोट हो जाएगा कि जब हम इसे पास्ता डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब लगभग 1 मिनट तक मैंने मसालों को भुना था, जब ये थोड़ा सा सॉस के जैसा दिखने लगा तो मैंने इसमें डाल लिया हमारे मैक्रोनी। आपने देखा कि सारे मैक्रोनी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक भी मैक्रोनी चिपका नहीं है। उसका कारण है कि हमने जो तेल डाला था ना वो। अब इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिए, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, मैंने 1 छोटी चम्मच से नमक डाला है। नमक डालते वक्त दोस्तों ध्यान रखें कि पास्ता मसाला में भी नमक होता है, इसलिए बहुत ध्यान से नमक डालें। अगर नमक थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से पास्ता के साथ मिला लेंगे, और अब हम डाल लेंगे यहाँ पे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं।
मैंने आज सिर्फ पास्ता के साथ चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो यूज़ किया है। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एक बार फ्लेम को हाई रख कर के ही मैंने पूरा पास्ता हाई फ्लेम पे ही बनाया है, फ्लेम कहीं भी मैंने कम नहीं किया है। अब बिल्कुल आखिरी में धनिए की कटी हुई पत्ती डाल लेंगे और इसे थोड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मज़ा आ रहा है ना देखकर, खाने में भी बहुत लाजवाब बना है। तो अब झटपट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। जितना टेस्टी ये दिख रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार था दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसे इंडियन मसालों के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसमें और मिर्च पाउडर या कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इतने ही मसालों से बनाती हूँ और ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सारी सब्जियाँ अभी भी खड़ी खड़ी ही हैं, कोई भी सब्जी गली नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी सब्जी को ओवर कुक नहीं किया है। अगर हम सब्जियों को ओवर कुक करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है, बहुत मज़ा नहीं आता खाने में। फिर सब्जियों का मतलब क्या है डालना, अगर सारी सब्जियां गल जाएं तो थोड़ी सी सब्जियों में क्रंच होना बहुत ज़रूरी है, तभी पास्ता या कोई भी चाइनीज़ या इटालियन डिश खाने में मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आप मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो मैं इसी तरह से एक और नए वीडियो लेकर आप तक आती हूँ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।